दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 24/9/2018 में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में। उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, इसे भी ऑन कर लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों पके हुए आम में विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंगूर का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों अंगूर का स्वाद खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये दिया है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी दर के मामले में 115 देशों में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी दर के मामले में 115 देशों में भारत का स्थान है दूसरा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ट्विटर के सीईओ कौन है। तो दोस्तों ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोर्सी। अगला क्वेश्चन, दही में कौन सा अंग्ल पाया जाता है। तो दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। अब देखते हैं गणित के क्वेश्चन से क्या क्या पूछा गया था। तो दोस्तों मैथ से लाभ हानि से 3 क्वेश्चन पूछे गए, साधारण ब्याज से 2 प्रश्न पूछे गए, अलजेब्रा से 5 प्रश्न पूछे गए, समय तथा कार्य से 3 प्रश्न पूछे गए, समय तथा दूरी से 2 प्रश्न पूछे गए, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ये तो हो गया आपका मैथ का पोर्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो कितना होता है केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान, 310 के। अगला क्वेश्चन, मंगल नगर विकास योजना किस राज्य से संबंधित योजना है। तो मंगल नगर विकास योजना ये हरियाणा से संबंधित योजना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है कि 4, 12, 28 का एलसीएम कितना होगा। यदि आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, इटली की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों इटली की राजधानी है रोम। अगला क्वेश्चन, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अगला क्वेश्चन, आग लिटमस पेपर क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों आग लिटमस पेपर नीचे लिटमस को लाल करता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। तो दोस्तों गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पेंसिल किसका बना होता है। तो दोस्तों पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। अगला क्वेश्चन,
समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो सर दोस्तों, समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों, रदरफोर्ड रेडियो विखंडन का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में 18% कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन है कि डायनामो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो ACT4NONA। अगला क्वेश्चन, मैं कह रहा 500 का 35% कितना होगा? यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में दे सकते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन, नूर जहां का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, नूर जहां का असली नाम था मेहरू निशा। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंट बटेन। अगला क्वेश्चन, श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है ऑर्गन गैस। ये तो हो गए आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों, बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई कहलाती है वाट। क्या कहलाती है? वाट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि एमेजॉन के सीईओ कौन है? तो दोस्तों, एमेजॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। कौन है एमेजॉन के सीईओ? जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है कि चींटी में कौन सा अंगल पाया जाता है? तो दोस्तों, चींटी में फार्मिक अंगल पाया जाता है। कौन सा अंगल पाया जाता है चींटी में? फार्मिक अंगल। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। अगला क्वेश्चन, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो उसके घनत्व में क्या बदलाव आता है? तो दोस्तों, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो उसके घनत्व में ये बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो दोस्तों, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला क्वेश्चन, यदि तांबे के तार को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों, यदि तांबे के तार को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन ये वृक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? वृक्ष से। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत हमारी रक्षा से अच्छा करती है। ये अच्छा नहीं होगा, ये रक्षा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाई कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा और कुकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है कि इबोला क्या है? तो दोस्तों, इबोला एक प्रकार का वायरस, एक विषाणु है। क्या है इबोला? वायरस एक विषाणु है। अगला क्वेश्चन, यूके के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों, यूके के प्रधानमंत्री का नाम है थेरेसा मे। क्या है? थेरेसा मे। अगला क्वेश्चन,
सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो दोस्तों सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है कनाडा की राजधानी? ओटावा, याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आपके ये हो गए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं व्यवस्थित पहाड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि टार्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दोस्तों टार्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है टार्च में? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को? ओम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों मिट्टी से जल तथा किसका अवशोषण करती हैं? तो दोस्तों जड़ों मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करती हैं। किसका अवशोषण करती हैं? खनिज का अवशोषण करती हैं। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो दोस्तों कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक हैं आयन। क्या है? आयन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा में श्वसन करता है? तो दोस्तों केचुआ ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा में श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के शरीर के कौन से भाग उन्हें जल के अंदर, ये जेल नहीं होगा, ये जल होगा, ठीक है, जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक करते हैं? तो दोस्तों मछलियों के शरीर के जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए पंख तथा पूंछ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जल के अंदर? पंख तथा पूंछ। आंसर आपका राइट हो जाएगा, पंख तथा पूंछ। अगला क्वेश्चन, कि तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है मैनोमीटर। कौन सा उपकरण है? मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो दोस्तों एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं विद्युत सेल में? कुल दो टर्मिनल होते हैं। अगला है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी। आंसर हो जाएगा आपका राइट, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, वृद्धि कर हार्मोन्स किस में उत्पादित होते हैं? तो दोस्तों वृद्धि कर हार्मोन्स ये पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होते हैं। किसमें उत्पादित होते हैं? वृद्धि कर हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। किसमें नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल कितनी वृद्धि थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल 10% की वृद्धि थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? 10% की वृद्धि थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10%। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम में लार पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टाइलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों को परिणति क्या होती है? तो दोस्तों श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन। क्या होती है? विघटन, या कोई याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इंडियन इंडियन प्रीमियम लीग 2018 संस्करण की नींव कब आयोजित की गई? तो
तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2018 की संस्करण की नींव 27 से 28 जनवरी आयोजित की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 से 28 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ी मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल ये लंदन में चली थी। कहाँ चली थी? लंदन में विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुबली किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो दोस्तों हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों ये थे रेलवे भर्ती ग्रुप डी परीक्षा के आज की डेट के, यानी कि 24/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए दोस्त हैं जो अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े, तो रेड कलर का बटन होगा इस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन होगा इसे भी ऑन कर लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।